नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा से जुड़ी हुई खबर है और सुरेश शर्मा को बड़ी राहत मिली है। सुरेश शर्मा के लिए ये अच्छी खबर है कि उनको पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है एक मामले में और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। दरअसल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उनको पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है और गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। अब दरअसल आपको बताते हैं मामला क्या है। मामला यह है कि RDJM मेडिकल कॉलेज विवाद में उन्हें यह राहत मिली है, पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई की। दोनों पक्ष कोर्ट में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ऐसे में अब सुरेश शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में जाकर दोनों पक्षों को मामले के निष्पादन की सलाह दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 माह बाद होनी है। वो पूरा मामला है। दरअसल जोगेश्वरी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग पटना की अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा कुमारी ने SDJM कोर्ट पटना में सुरेश शर्मा, उनके बेटे राजीव शर्मा वन के खिलाफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को असंवैधानिक तरीके व बलपूर्वक नियंत्रण करने, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेल करने और अनाधिकृत पत्राचार कर भ्रम फैलाने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया था। और जब मामला दर्ज हो गया तो जाहिर तौर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ने लगी। मामला दायर होने के बाद पटना के SDJM कोर्ट ने सुरेश शर्मा और उनके बेटे राजीव कुमार समेत 6 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और जून 2022 में मामला दर्ज होने के बाद नवंबर 2022 में कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने को कहा, जिसके बाद सुरेश शर्मा एवं आरोपियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन इन आरोप को कोर्ट ने गंभीर माना, जिसके बाद 22 फरवरी को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और 1 महीने के भीतर उनको सरेंडर करने का आदेश दिया। और आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई। पटना हाईकोर्ट ने सुरेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं सुरेश शर्मा, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और उनको लेकर अब ये खबर कि एक मामले में उनको बड़ी राहत मिली है पटना हाईकोर्ट से, बहुत